दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में सड़कों की बदहाल हालत को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। कई बार स्थानीय लोग प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का कारण बदहाल सड़कें भी मानी जा रही हैं। ये मामला पांवटा साहिब के देवी नगर हाउसिंग बोर्ड का है। सोमवार को स्थानीय लोग वहां एकत्र हुए और बताया कि सड़कों की दशा इतनी दयनीय है कि अब उस पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते हैं। गौरतलब है कि स्थानीय लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। जब वे उपमंडलाधिकारी के पास अनुमति लेने गए तो उन्होंने वहां पर तुरंत अपने अधिकारी को भेज दिया। हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने धरना प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन प्रशासन को चेतावनी जरूर दे दी है। उन्होंने बताया कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़कों की हालत को नहीं सुधारा गया तो चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी सर, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये एक जनहित का मुद्दा है। ये पिछले 8 महीने से ये सड़क ऐसे पड़ी हुई है, ये पुलिया यहाँ बनी है। हम प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर इसको पक्का कर दीजिए, हमारा जीना हराम हुआ हुआ है। धूल इतनी है यहाँ, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। धूल एक एक इंच हमारे घरों में धूल पड़ी हुई है। हर रोज आएंगे, मिट्टी डालकर चले जाएंगे, आएंगे मिट्टी डालकर चले जाएंगे। सुबह को मिट्टी डालकर जाते हैं, शाम तक फिर खड्डे हो जाते हैं। रात को यहाँ पर खनन माफियाओं ने जीना हराम किया हुआ है, इतना खनन का ट्रैफिक है यहाँ पर, जिसने रात को हम अपने घरों में सो नहीं पाते इन खड्डों की वजह से। उन ट्रालों की इतनी आवाज यहाँ पर होती है, दर 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 दर, घरों की खिड़कियां तक हिला के रख दी है, हमारे घरों की विंडो हिल गई है। हम हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं प्रशासन को कि इसको इस काम को आप कंप्लीट करा दीजिए। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। अब हमने आज अल्टीमेटली ये प्रशासन को चेतावनी दी है कि ये काम 24 घंटे में इस पर काम नहीं लगाया जाता तो हम इस पर जाम लगाने आज हम इस रोड को जाम करने के लिए तैयार थे। अभी SDO साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन में इस पर काम लगा रहे हैं। हमने इसका टेंडर हमारा हो गया। क्या इससे पहले भी इस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे? इससे पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए हैं, इवन पॉलिटिकली भी आश्वासन दिए गए हैं। नालियों का यहाँ बुरा हाल है, पानी की कोई निकासी की व्यवस्था तो नहीं है। तो अब आपको लगता है कि अब भी आश्वासन पे काम चल जाएगा यहाँ पे? अगर नहीं हुआ तो हम 3 दिन के बाद यहाँ जाम लगाएंगे, चाहे हमें जेल में डाला जाए, चाहे मुकदमे किए जाए। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लंबा होकर लेट जाऊंगा, गाड़ी लगाकर रोड ब्लॉक करूंगा। करवा दिया जाएगा इसको, जैसे ही टेंडर अवार्ड होगा विद इन वीक हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। इन्होंने सर चेतावनी दी है कि अगर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, शायद ऐसी नौबत ना आए, इससे पहले हम इसको कर देंगे। पांवटा साहिब से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।